तो आइए शुरुआत करते हैं VKMS की ओवरव्यू से। तो पहले हम देखेंगे आपकी आईडी के बारे में कि वो अगर एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। दूसरा, VKMS की शुरुआत कैसे होती है, आप कैसे उसमें लॉगिन करते हो, FRM की डिटेल्स कहाँ होगी, MyVKMS क्या होता है, आपके सपोर्ट और हेल्प डेस्क के लिए क्या क्या सुविधाएँ बनी है, सर्विसेज हम कौन कौन सी आपको प्रोवाइड करते हैं, वॉलेट क्या होता है और ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस VKMS के ओवरव्यू में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की।